भारत चीन सीमा पर माहौल खराब करने वाले चीन पर भारतीयों का गुस्सा फूट रहा है। चीन ने धोखे से भारत के सैनिकों पर हमला किया जिससे भारत के जवान शहीद हो गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने भारतीय शहीद सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। संत हिरदाराम नगर में चंचल चौराहा पर शिव मंदिर प्रांगण में चीनी सामग्री का बहिष्कार करते हुए समाज से चाइना उत्पाद का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। चीनी सेना के कुषड्यंत्र का विरोध करते हुए भारतीय शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बजरंग दल ने भारतीय सरकार से निवेदन किया है कि चाइना के उत्पादों का आयात पूर्णतः बंद कर दिया जाए और भारतीय सेना को उचित कार्रवाई हेतु बल प्रदान किया जाए, चीनी आयात पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। उक्त विरोध कार्यक्रम में भोपाल विभाग विश्व हिंदू परिषद मंत्री राजेश साहू, बजरंग दल संयोजक धीरज चौहान, सह संयोजक मुकेश मालवीय, सह संयोजक दिनेश यादव सहित संत जिले के जिला मंत्री चंद्र प्रकाश सबनानी, सह मंत्री करण सिंह राजौरिया, सह मंत्री सुनील धानुक, जिला संयोजक बजरंग दल जीतू कटारिया, जिले से रूप कुमार सोनी सहित जिला के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम शासन की गाइडलाइन अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया। आज बजरंग दल ने पूरे भोपाल के अंदर चीनी सामान का बहिष्कार करा है और देश की जनता से मांग करी है कि जितना हम चीनी सामान का उपयोग करेंगे उतने हम अपने दुश्मन की मदद करेंगे, उसका आर्थिक रूप से बहिष्कार होना चाहिए। और जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं उनको हम विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उनको श्रद्धांजलि देने का एक और मौका है कि हम अपनी चीनी सामान का बिल्कुल पूर्ण रूप से बहिष्कार करें और जितना हो सके हम अपना स्वदेशी अपनाएं। भोपाल में प्रत्येक चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता चीनी सामान की होली जला रहे हैं। देशवासियों से भोपाल वासियों से निवेदन आग्रह कर रहे हैं कि चीनी सामान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार भारतीय सेना के समर्थन में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया, उसी हिसाब से हमको घर घर से दुकान दुकान से पूरी चीनी सामान का बहिष्कार करना होगा, तभी हम अपने सेना का सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की कई बैठकें हो चुकी हैं। चूँकि कोरोना का काल चल रहा है इसलिए शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम ऑनलाइन बैठक हमारी निरंतर चालू है। कल भी एक वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय अधिकारी आने वाले हैं, कल भी एक छोटी सी बैठक है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।